हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है गुड़ेल का, और ये कंटिन्यूअसली फ्लावर प्रोड्यूस करता रहता है। बट एक ऐसा इंसेक्ट है जो इस प्लांट को बहुत परेशान करता है, और इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस इंसेक्ट का नाम है मेलीबग। और दोस्तों, ये मेलीबग एंट्स कैरी करती है, तो एंट को रोकना भी ज़रूरी है, चींटियों को रोकना भी ज़रूरी है, तो उसके बारे में भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चींटियों को रोकने के लिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट लेके आया हूँ, और इसकी कॉस्ट बहुत कम है। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ, नियरली 15 रुपये इसके ऊपर लिखा हुआ है, और इसका नाम है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो, लक्ष्मण रेखा, जो कि कॉकरोचेस को मार के भगाने में काम आती है। आपको ये लेके आनी है, ये चौक भी मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह की चौक होती है ये। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो आपका पॉट होता है, या तो इसके इस बाउंड्री पर आप इस चौक को लगा दें, या फिर इसके नीचे की तरफ जहाँ ये गमला रखा हुआ है वहाँ पर एक सर्कल बना दें, तो चींटियाँ अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि जैसे ही चींटियाँ इसको क्रॉस करती है इस चौक को, वो मर जाती है, और फर्दर वो मेलीबग के एग्स कैरी नहीं कर पाएगी। और ये आप उस लोकेशन पर भी लगाना जहाँ पर चीटियाँ रेगुलर बेसिस पे आती जाती रहती है, तो आप अपने गार्डन में सर्च कर सकते हैं ऐसा कोई कोना जहाँ पर चीटियाँ रहती है, तो वहाँ पर ये सर्कल बना दीजिए, और आप देखेंगे आपके गार्डन में चीटियों का आना जाना बिल्कुल कम हो गया है। और जैसे ही चीटियों का आना जाना कम होगा, मेलीबग का अटैक भी कम हो जाएगा। मेथड नंबर वन, और यहाँ पर हमारे हिबिस्कस प्लांट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये सारे मेलीबग अटैक ने हमारे हिबिस्कस प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा आतंक फैला दिया है, और इसकी सारी लीफ तो खा गए हैं, साथ में जितने भी फ्लावर थे वो भी गिरने लग गए। अब यहाँ पर प्लांट को रिकवर करने का एक ही तरीका है। मेलीबग का अटैक जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले उन ब्रांचेस को हम कट कर देंगे। अब ये जो मेलीबग हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इनको सही तरीके से डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इधर उधर फेंक दिया तो चींटियाँ फिर से इनको लेकर आ जाएगी और प्लांट्स के ऊपर छोड़ देगी, तो सही तरीका आप देख लें। हमें इन मेलीबग्स को किल करना होगा, और किल करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए या फिर इनको जला दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको मिट्टी में दबा रहे हैं, जिससे ये मेलीबग फिर से मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और ईजिली मर जाएंगे। तो आप एक पॉट लीजिए, उसमें मिट्टी भर दीजिए और इनको अंदर दबा दीजिए, सिंपल है। बड़ी बड़ी ब्रांचेस को तो हमने कट कर दिया, बट जो छोटी ब्रांचेस है और जिन पर छोटे छोटे मेलीबग के एग लगे हुए हैं, उनको भी रिमूव करना ज़रूरी है। उसके लिए आप कोई भी एक लिक्विड सोप का यूज़ कर सकते हैं, और 1 लीटर वाटर में आप करीब 4 से 5 बूंदे ईजिली डाल सकते हैं। यहाँ पर स्प्रे का यूज़ करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, सर्फ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप जब प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो उसका ड्रेनेज नाली के पास होना चाहिए। मतलब अगर आपके मेलीबग ज़मीन पर गिर रहे हैं तो वो सीधे नाली से बहते हुए आपकी नाली के अंदर चले जाना चाहिए, फिर से गार्डन में वो नहीं दिखने चाहिए। तो आप सिंपली अपने प्लांट को नाली के पास लेकर आइए, आपके टेरेस के आसपास नाली होगी या फिर आपके गार्डन में, और बस आप इस स्प्रे को अच्छे से स्प्रे करिए अपने पूरे हिबिस्कस प्लांट के ऊपर। आफ्टर 7 डेज हमारा हिबिस्कस प्लांट बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि उसके ऊपर एक भी पेस्ट अटैक नहीं है और वो बहुत ही ग्रीन कलर की लीफ प्रोड्यूस करने लग गया है। अब यहाँ पर जो मेलीबग बच गए हैं, जिनके एग्स डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, वो फिर से डेवलप होंगे और प्लांट पर फिर से अटैक करेंगे, या फिर एंट्स फिर से लेकर आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, एंट्स से बचाना है, और एक बार और शैम्पू स्प्रे इसके ऊपर देना है। अब आपका हिबिस्कस कहीं कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, और किसी किसी ब्रांच के ऊपर एफिड्स अटैक हो चुका है, तो उसको क्लियर करने का तरीका या फिर मेथड आप वो भी ध्यान से देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इस कली के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहा है। एफिड्स का अटैक हिबिस्कस प्लांट के ऊपर जनरली विंटर्स के सीजन में होता है, और ये आप नॉर्मल ब्रश की मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं, इससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। और एक बार आप रिमूव कर दें और उसके बाद आप एक वाटर का अच्छा से स्प्रे दें, तो सारे एफिड्स बाहर की तरफ गिर जाएंगे। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, हमारा हिबिस्कस का प्लांट जिस पर बहुत बुरा अटैक हुआ था, उस पर अब कलियां आनी स्टार्ट हो गई है।
चलिए अब मेथड नंबर 2 पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा काफ़ी सारे प्लांट्स बेंच के ऊपर रखे हुए हैं। तो ये रहा हमारा गुड़हेल का प्लांट और इसके साथ में 2-3 और भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छे से आ रहा है। अगर इसके ऊपर मेलीबग अटैक हो चुका होता तो इसके ऊपर फ्लावरिंग आनी रुक जाती, क्योंकि प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स वो मेलीबग ही खींच लेते हैं। तो एक बेंच पे रखने से आपका मेलीबग अटैक काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि एंट्स जो होती है वो गर्म गर्म बेंच के ऊपर थोड़ा सा उनको हेजिटेट होता है चढ़ना, क्योंकि गर्मी के सीज़न में ही सबसे ज़्यादा अटैक होगा, और गर्मी के सीज़न में हमारी लोहे की बेंच जो होती है वो गर्म हो जाती है। तो चींटियाँ उसके ऊपर चढ़ती नहीं है, क्योंकि गर्म होता है तो किसी भी जानवर को हीट पसंद नहीं होती है। तो एक और सॉल्यूशन ये वाला है। एंड नाउ दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में जगह नहीं है, एक्स्ट्रा बेंच वगैरह नहीं ला सकते हो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सिंपल सा तरीका हमने स्टार्टिंग में बताया था वो ये है, लक्ष्मण रेखा। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक पॉट है, और आपको ऐसे लक्ष्मण रेखा को निकालना है। यहाँ पर एक प्लास्टिक का कवर दिया हुआ होता है, इसको आप अनरैप कर दें तो इस तरह से चौक दिखने लग जाती है। तो आप अपना गमला लीजिए, ऐसे करिए, ऐसे सर्कल बनाकर और अपने पॉट को उसमें रख दीजिए। बस अब इसके आर पार चींटियाँ नहीं आ पाएगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चींटी घूम रही है, उसके आर पार चींटी नहीं आ पाएगी, और आपका प्लांट हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा।